हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रिश्ते ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, इसके लिए दो लोगों को मिलकर अपने रिश्ते को पूरा और खुशहाल बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। रिलेशनशिप में एक खुशहाल कपल बनने के लिए कुछ मौलिक कारण होते हैं और इनके बारे में हर कपल को पता होना चाहिए। इन टिप्स के बारे में जानकर आप अपने तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं पहले टिप्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहला टिप्स है संतुलन बने रहना। एक हेल्दी रिलेशनशिप में ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिन्हें संतुलित करके आप अपने रिलेशन को आसान बना सकते हैं। इन चीज़ों में संतुलन बढ़ाकर आप अपने रिश्ते और पार्टनर को खुश रख सकते हैं। संतुलन से आपके रिश्ते में खुशियाँ बढ़ती है। संतुलन से आप और आपके पार्टनर के बीच सामंजस्य बना रहता है। और इसमें दूसरा टिप्स ये है कि रोमांस का कभी खात्मा ना होना। एक खुशहाल रिश्ते के लिए रोमांस होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में भी रोमांस दिखाते हैं तो इससे आपके रिश्ते में खुशी बरकरार रहती है। आकर्षण बरकरार रखना, कडल करना, गिफ्ट देना और प्यार देने से आपके रिश्ते में खुशी बढ़ सकती है। और इसमें तीसरा टिप ये है कि दिल में एक दूसरे की जगह बनाना। हर इंसान को अपने पार्टनर के दिल में एक सुरक्षित जगह चाहिए होती है। अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी घर वापस लौटते हैं तो अपने पार्टनर को अपने पूरे दिन का हाल बताते हैं और उन्हें बताएं कि आप उनके साथ कितने खुश हैं। और इसमें अगला टिप ये आता है कि आपके शब्दों और एक्शन में दिखे प्यार। अगर आप अपने पार्टनर को आई लव यू नहीं कहते हैं तो इसकी जगह अपनी बातों और एक्शन से अपने प्यार का एहसास करवा सकते हैं। अपने पार्टनर को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो कितनी गहराई से आपको प्यार करते हैं। उन्हें आई लव यू कहने से आपके इमोशंस और पार्टनर के सीधे दिल तक पहुंचेंगे। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आपको अपने रिश्ते की मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए, तभी आपके रिलेशनशिप में खुशी बरकरार रह सकती है। संबंधों में मैच्योरिटी से काम लेना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पता चलता है कि आप दोनों का रिश्ता कितने आगे तक जाएगा। अपनी परेशानियों, झगड़ों, बहस और परिस्थितियों को परिपक्वता से हैंडल करना भी आपके रिश्ते को खुशहाल बना सकता है। और इसमें छठे नंबर पर ये टिप आता है कि एक दूसरे के लिए स्पेशल फील करें। रिलेशनशिप में एक दूसरे को स्पेशल फील करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने प्यार पार्टनर को प्यार करते हैं तो उन्हें समय समय पर स्पेशल फील करवाते रहें। और इसमें अगला टिप है कमिटमेंट पर बरकरार रहें। रिलेशनशिप में ये बहुत ज़रूरी होता है, अपने वादों को बनाए रखें और उन्हें तोड़े नहीं। अगर आप अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करते हैं तो इससे आपका रिश्ता टूट सकता है। अगली बात आती है, रिलेशनशिप में एक समान जिम्मेदार होना ज़रूरी होता है। हर पार्टनर को किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उनके प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। अगर आप और आपका पार्टनर इन जिम्मेदारियों को बांट लेते हैं तो इससे रिश्ता खुशहाल बन सकता है। और इसमें अगला टिप ये आता है कि टीम की तरह काम करें। रिलेशनशिप में अगर दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे तो इससे मतभेद होना लाजमी है, लेकिन अगर आप टीम के एक साथी की तरह काम करेंगे तो इससे आप दोनों एक साथ खुश रह पाएंगे। ये देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में रिश्ते के बीच, दो पार्टनर्स के बीच ईगो आ जाता है जिसकी वजह से टीम के रूप में काम करना कर पाना नामुमकिन सा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हर रिश्ते में लड़ाई होती है। जो रिश्ते बहुत खुशहाल दिखते हैं उनमें भी लड़ाई होती ही है, लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप में हर लड़ाई और बहस में लॉजिक छिपा रहता है। इनमें लड़ाई एक लॉजिक से बड़ा डिस्कशन होता है। इससे ये दोनों एक दूसरे की सोच को समझ पाते हैं। मौलिक कारणों को ध्यान में रखकर आप भी अपने रिश्ते को खुशहाल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नए रिश्ते में इन टिप्स को ध्यान में रखकर आप अपने खूबसूरत साथ को लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और वीडियो काफ़ी जानकारी से भरपूर होगा, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।